नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आज एक खास कार्यक्रम है। अब तक मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, लेकिन अब मैंने कुछ नए उपकरण खरीदे हैं। इनमें सबसे पहला है एप्पल का मैकबुक एयर, जो एडिटिंग के काम आता है। मैं एडिटिंग सीख रहा हूं इस पे धीरे धीरे, और काफ़ी सहूलियत होती है इस पे। मैं आपको अभी दिखाता हूं अपना लैपटॉप। आपने मेरा लैपटॉप देखा। इसके अलावा तमाम लोग, तमाम यूट्यूबर बड़े बड़े कहते रहते हैं कि मोबाइल से ही वीडियो बनाइए, लेकिन साथ ही तमाम लोग एक बात और कहते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे बहुत ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर नहीं है लाखों में बाकी लोगों की तरह, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा कंटेंट बेहतर किया जाए। बेहतरी की मुहिम में ही लैपटॉप ख़रीदा, और उसके बाद GoPro 10 कैमरा ख़रीदा है, ताकि आगे से आपको लगातार बेहतर क्वालिटी की तस्वीरें और वीडियो मिल सके। और इसके बाद आप मेरे जितने वीडियोस देखेंगे, वो चाहे रायचक दौरे की हो, गंगा के किनारे, या फिर मणिपुर दौरे की हो, बर्मा सीमा के दौरे की हो, तमाम GoPro वाले वीडियो दिखेंगे, तो आपको फ़र्क साफ महसूस होगा। और मोबाइल और GoPro में काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है एक तरह से। मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग GoPro 10 की, लेकिन वो अनबॉक्सिंग मैं करूंगा गंगा किनारे रायचक के, रायचक ऑन गंगेज में जाके, और वो दिखाऊंगा। उसके पहले आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा कि मैंने वो कहाँ से ख़रीदा है। कोलकाता में धर्मतल्ला के पास, धर्मतल्ला इलाके से मैंने ख़रीदा है। कैमरा गली के नाम से मशहूर है इलाका, वहाँ से ख़रीदा है। और मैं लगातार बेहतरी की मुहिम पर काम कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर कंटेंट बढ़िया हो, क्वालिटी बढ़िया हो, तो सब्सक्राइबर खुद बढ़ेंगे और आपके वीडियोस लोगों को पसंद आएंगे। अगर आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप भी मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि उस तमाम मदद का इस्तेमाल सिर्फ इस चैनल की बेहतरी के लिए किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले वो वीडियो जहां मैं जब कैमरा ख़रीदने गया था, और उसके बाद दिखाऊंगा आपको कि क्या है उस कैमरे में, फिर उसकी फुटेज भी आपको दिखाऊंगा, आप फ़र्क साफ महसूस कर लेंगे। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें।
नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आज बात करूंगा अपने नए गैजेट्स की। आपको मैं अपना लैपटॉप तो पहले ही दिखा चुका हूं जिस पर मैं एडिटिंग किया करता हूं, और अब तक मैं मोबाइल से करता था, वीडियो बनाता था, जहां भी घूमने जाता था। लेकिन अब मैंने कैमरा ख़रीद लिया है और सबसे लेटेस्ट कैमरा GoPro 10। महंगा है लेकिन बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये कैमरा है। इसके अलावा ये इसके बैटरी और बैटरी चार्जर है, एक्स्ट्रा बैटरी। ये इसका एक्सटेंशन ट्राइपॉड है और ये इसका डाइविंग केस है, प्रोटेक्शन है। पानी में भी इसके ज़रिए आप वीडियो बना सकते हैं। ये इसका प्लास्टिक केज है GoPro का, और इसके साथ आप एक उलांजी का भी ये ले सकते हैं। ट्राइपॉड फ्लेक्सिबल है, बहुत बढ़िया है, हर जगह काम आ सकता है। GoPro में भी काम आता है। एक एक करके आपको दिखाऊंगा, फिर आपको GoPro के वीडियो भी दिखाऊंगा। देखिए, लैपटॉप आप पहले ही देख चुके हैं और आज मैंने सोचा आपको अपना नया गैजेट भी दिखा दूं, नया कैमरा भी दिखा दूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, अब आपको पहले से बेहतर वीडियो देखने को मिलेंगे और क्वालिटी निश्चित तौर पर अच्छी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि मोबाइल और GoPro 10 की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अब कोरोना भी शांत हो रहा है, तीसरी लहर लगभग ख़त्म हो रही है, तो इसके बाद मैं देश दुनिया के सफ़र पर निकलूँगा, आपको दिखाऊँगा देश दुनिया की रंग बिरंगी कहानियाँ। तो चलिए, एक एक कर आपको अनबॉक्स करते हैं, कैमरा से इसकी एसेसरीज तक दिखाते हैं। आपको दिखाता हूँ अब GoPro की अनपैकिंग करता हूँ। ये तो आप डब्बा है देख रहे हैं, प्लास्टिक के अंदर है, और इसके बाद एक बॉक्स निकला। बॉक्स आपको दिखाता हूँ, बॉक्स में क्या क्या है। बॉक्स में एक तो ये आपको कार में या कहीं भी चिपकाने के लिए डेंड्राइट लगा हुआ है, ये है। ये आपका GoPro का चार्जर है, इसके ज़रिए आप GoPro कहीं भी लगा सकते हैं ट्राइपॉड में। ये भी एक वैसा ही है जिसे आप यूज कर सकते हैं ट्राइपॉड में अलग अलग जगह। और अब ये रहा GoPro, छोटा सा है, GoPro 9 से बहुत अलग है। और एक अंतर ये है कि GoPro 9 से थोड़ा बड़ा है और ये ब्लू में लिखा है, जबकि GoPro 9 में येलो कलर में लिखा होता था। कई तरह के मोड हैं, इसको यहाँ से ऑन बटन है, ऑन किया जा सकता है और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको कई तरह की आप देख सकते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा रिकॉर्डिंग करके। फ़िलहाल देखते हैं दूसरे गैजेट देखते हैं, इसको फ़िलहाल बंद करता हूं। सामने भी इसकी स्क्रीन है जिसमें आप देख सकते हैं, खासकर ब्लॉगर और ट्रेवल वीडियोस बनाने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये है इसका एक्सटेंशन ट्राइपॉड, और ये भी आपको दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर। ये है, ये है, ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये लंबा हो सकता है, इसको आप टेबल पर कहीं रख सकते हैं, ट्राइपॉड का काम करेगा। यहाँ आप GoPro इसके ज़रिए इसको लगा के इसमें GoPro सेट कर सकते हैं। आपको बताऊँ, GoPro आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, ये नीचे ऐसे आ जाता है और जो इसमें फिट हो जाता है। तो फ़िलहाल ये तो आप सब जानते ही होंगे, ये तो हो गया ट्राइपॉड। और इसके बाद ये है GoPro में एक्स्ट्रा चार्जर और बैटरी। ये है GoPro की एक्स्ट्रा बैटरी, एक उसमें लगी हुई है, और ये है इसमें चार्जर है पूरा, ये देख सकते हैं, दो बैटरियां चार्ज हो सकती है इसमें। और ये इसका वायर है, इसके आप फ़ोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं इसको। ये हो गया, इसके बाद अब एक हो गया सुपर सूट प्रोटेक्शन ड्राइव हाउसिंग, इसमें भी कई चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप इसको सेट कर सकते हैं। ये है, इसके ज़रिए आप पानी में सूट कर सकते हैं, GoPro यहाँ सेट हो जाएगा, ऊपर कवर भी लगा हुआ है और आप इसको खोल के सेट कर सकते हैं, ऊपर भी कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, नीचे इसके ज़रिए सेट हो जाएगा। अब दिखाता हूँ एक और प्लास्टिक केज GoPro का, जिस
सामान्य तौर पर जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा भी होगा कई लोगों के पास। ये देखिए, ये रहा GoPro का हाउसिंग केस, उलांजी कंपनी का है। इसमें ये लेंस कवर भी है, इसमें GoPro पूरा सेट हो जाता है, आपका बंद हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से इसको सेट कर लीजिए और चलाते रहिए। तो ये रहा। इसके अलावा ये एक और उलांजी का जो मैंने बताया ट्राईपोड है, ऐसा दिखता है। इसमें मोबाइल फ़ोन भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया, ऊपर माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं, फ्लेक्सिबल ट्राईपोड है, कई तरह के। इसमें GoPro भी आप लगा सकते हैं। तो देखा आपने, मुझे उम्मीद है आपको जचा होगा। आपको अगली स्लाइड में इसके वीडियोस भी दिखाऊंगा, GoPros के वीडियो, तब आप देखेंगे। ये अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, अब GoPro और मोबाइल में कितना फ़र्क है ये आप देख सकेंगे। फिलहाल ये सब गजट आपने देखा, मुझे उम्मीद है जचा होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, मैं लगातार बेहतर करने की मुहिम छेड़ रहा हूँ। अगर आप इस मुहिम में मदद देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा UPI ID भी है, चाहे तो मुहिम को मदद कर सकते हैं। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि कोई भी मदद जो भी मिलेगी उसका इस्तेमाल और नए उपकरणों को खरीदने में किया जाएगा और वीडियो क्वालिटी को और बेहतर बनाने में किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ये उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, अनबॉक्सिंग और GoPro और उसकी बाकी एसेसरीज। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आगे आप बेहतर क्वालिटी के वीडियोस देखेंगे, सराहेंगे, अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।